हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरके ग्रीन गार्डनिंग में। और आज के इस वीडियो में आज होने वाला है कि हम मनी प्लांट की कटिंग कैसे लगाएं। मेरे को एक व्यूअर ने कमेंट करके बताया था कि हमें मनी प्लांट की कटिंग लगाना बताना, तो आज का उसी टॉपिक पर वीडियो होने वाला है कि हम मनी प्लांट की कटिंग या वीडियो। वैसे तो मेरा एक दो वीडियो कटिंग के ऊपर पड़ा हुआ है, जो हमारे मनी प्लांट की कटिंग कैसे लगाते हैं हम, तो जो मैंने नेक्स्ट ईयर जो प्लांट लगाया था, जो कटिंग से ही ग्रो किया था मैंने ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम इसको लगाना सीखते हैं। गाइस, अभी दीपावली की वजह से मेरा वीडियो कम आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि अभी दीपावली का काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था और मेरे गार्डन पे भी काफ़ी सारा काम था, इसीलिए नहीं आ रहा था वीडियो मेरा। तो अब से रेगुलर वीडियो आएगा मेरा। तो हम इसको कट कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ से। वैसे तो मेरे पास दो तीन प्लांट है मनी प्लांट के, तो फिर भी मैं कटिंग लगाना बता देता हूँ। कटिंग के लिए सबसे पहले हम मिट्टी को देख लेते हैं। अगर गाइस आपके पास बालू मिट्टी है, आपके पास, तीन चीज़ बताऊंगा हम हमारे मनी प्लांट की कटिंग लगाने के लिए। सबसे पहले तो आपके पास प्योर अगर मिट्टी हो तो आप प्योर मिट्टी में लगा सकते हो। थर्ड, जो आप पे रिवर्स एंड में लगा सकते हो। और अगर आपके पास रिवर्स एंड भी ना हो तो आप कोकोपीट में लगा सकते हो। कोकोपीट भी गाइस जाहिर से बात है बहुत कम बिगनर्स के पास तो नहीं रहता है, तो सिंपल सी बात है आप प्योर मिट्टी में ग्रो कर सकते हो, या रिवर सैंड जिसको कंस्ट्रक्शन सैंड भी बोला जाता है, और हमारे गांव साइड में उसको भसुआ भी बोलते हैं, जो बालू मिट्टी या रेत उसको बोलते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा कटिंग्स ग्रो हो जाती है। तो मेरे पास कोकोपीट और मिट्टी और इसमें रिवर सैंड भी हैं। और यहाँ पे है जो फंगीसाइड पाउडर, जो कई कटिंग में फंगस लग जाए तो ये उसके लिए काम करेगा। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर ले लीजिए, उसकी जगह आप राख का यूज़ कर सकते हैं। चूल्हे में लकड़ी की राख होती है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं उसको मिलाने के लिए। गाइस, कटिंग्स लगाने के लिए बेस्ट टाइम रहता है रेनी सीजन में। बरसात के दिनों में कटिंग कोई सी भी होती है वह जल्दी ग्रो हो जाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कटिंग अभी भी ग्रो हो जाएगी। इन तीनों मिक्सर को हम मिला लेते हैं। आप प्योर कोकोपीट में भी लगा सकते हो। तो हम इसको मिक्स कर दे रहे हैं गाइस, वीडियो एंड तक बने रहिए। तो ये हमने मिक्स कर लिया और ये है हमारे पास डिस्पोजेबल ग्लास, हम इसमें भर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको कट कर लेते हैं। तो मैं इसको कट कर ले रहा हूँ, आपको लगाना बताऊंगा। तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे, इधर नीचे के नोट से इसको। जी ये देख पा रही, ये मैंने कटिंग को काट लिया है। अब हम इसको एक नोड से ग्रो कर सकते हैं गाइस, जो हमारा प्लांट का एक नोड होता है हम उससे ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरे पास, मैं इसको यहाँ से काटूंगा। तो ये हमने कैंची से काट दिया और जिसके बाद हम इसको यहाँ से काटेंगे, एक नोड और गाइस एक पत्ता होना आवश्यक है हमारे प्लांट में। गाइस मैंने एक हाथ से तो मोबाइल पकड़ रखा है इसीलिए। तो एक नोड यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे से काट देंगे इसको। तो इसको रूट्स हमारी कट चुकी, डैमेज हो गए, तो एक इसको यहाँ से कटेंगे। तो ये अभी हमारी कितनी सारी कटिंग बन चुकी है आप देख सकते हो। अगर आपके आस पड़ोस से कहीं से अगर इतनी सी कटिंग मिल जाए तो आप अपने प्लांट को कटिंग लगा सकते हो। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। तो ये हमने इसमें मिट्टी भर ली है, अब ये हमारी कटिंग है। इतनी सी कटिंग से हम हमारे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो
ये आप देख पा रहे हो, तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको ग्रो करेंगे। इसको दबा दें और इसमें मिट्टी डाल दें। तो ये देख पा रहे हो गाइस आप देख पा रहे हो, मैं सिर्फ एक पत्ते से इसको ग्रो करूंगा। एक नोड से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो एक फिर हम इसमें लगाने वाले हैं, तो कुछ इस तरीके से हम इसको ग्रो करेंगे। तो ये हमने दबा दिया है, दबाने के बाद हम इसमें मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद गाइस आप इसको थोड़ा दबा दें, इसके एयर बबल निकाल दें इसके। तो ये देख पा रहे हो, तो इसको भी साइड में रखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वो यूज करेंगे। तो गाइस इसमें रूट्स कुछ इस तरीके से है, तो हम इसको इसको ले इस तरह लगाएंगे। तो ये देख पा रहे हो आप, इस तरीके से लगाएंगे। काफी ज्यादा है, आसान तरीका है गाइस इसको वैसे तो ग्रो करने के लिए, लेकिन बिगनर्स को काफी ज्यादा हार्ड तरीका लगता है इसको ग्रो करने का। गाइस मुझसे एक फ्रेंड ने मेरे से पूछा था कि भाई हम मनी प्लांट की कटिंग किस तरह लगा सकते हैं, तो ये वीडियो उसी के लिए है गाइस। तो हम इसको इस तरह इसको लगा देंगे, थोड़ा सा इसको रूट्स है इसमें, तो नीचे जमा देंगे हम इसको। गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा ये कुछ इस तरीके से। गाइस मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको लगाना बता रहा हूँ। ये देख पा रहे हो गाइस, तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और हैप्पी गार्डनिंग। और एक्स्ट्रा में बोल देता हूँ, हैप्पी दीपावली। आप अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे, दीपावली और घर पर सुरक्षित मनाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और हैप्पी गार्डनिंग। इसमें इसकी अपडेट भी बताने वाला हूँ, आप मेरे चैनल पर एक्टिव रहे, जो ग्रो इसका जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा।